ये दोस्तों हमारी टेम्ड फीमेल है जिसने दोस्तों अंडे दे दिए, और अंडे देने के बाद से अब दोस्तों ये हमारे पास में आती तो है। अभी जो दोस्तों अंडों पर मेल बैठा है कि कॉकटेल बर्ड का अगर आप बर्ड सेटअप लगाना चाहते हैं या इनसे ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों एक एक करके कलेक्ट करें, ऐसे ना हो कि आप एक साथ में चार पांच को पकड़ के खींचे। कि कॉकटेल बर्ड से अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए मैंने आज तक क्या क्या प्रयास किए हैं, दोस्तों यहाँ आप देखें मेल कॉकटेल बर्ड बैठा हुआ है और एक बच्चा जो है इसके नीचे है। तो आगे जाके ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हमारे बर्ड ये चीज नहीं खा रहे हैं, वो चीज नहीं खा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि हमारे बर्ड से ब्रीडिंग लेना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। क्योंकि दोस्तों काफी बार क्या होता है कि काफी बर्ड लवर भाई ये काफी ज्यादा इंतजार करते हैं कि भाई हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते हैं। तो आज मैं उन सभी को बताऊंगा कि कॉकटेल बर्ड से अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए मैंने आज तक क्या क्या प्रयास किए हैं, जिसमें दोस्तों धीरे धीरे अब जाकर मैं सफल हो रहा हूँ कॉकटेल बर्ड से ब्रीडिंग लेने में। दोस्तों इससे पहले मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कॉकटेल बर्ड का सेटअप लगाने की, मैंने सेटअप भी लगाया, उसके बावजूद मेरे पास में काफी सारी समस्याएं देखने को आई, काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसके बाद अब जाकर के हमारे नए बर्ड सेटअप के कॉकटेल बर्ड्स ब्रीडिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं कि जब हम बर्ड्स रखते हैं ब्रीडिंग पर्पस से, जब हमारे बर्ड सेटअप पर बर्ड्स लाते हैं उसके बाद से बर्ड्स की ब्रीडिंग होने तक क्या क्या समस्याएं हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहे। उससे पहले दोस्तों मैंने जो ग्लव्स पहना है इसका रीजन है ये सन कन्यूर बर्ड। तो दोस्तों इन दो पीस सन कन्यूर बर्ड जो कि हमारे बर्ड सेटअप पर कुछ टाइम पहले नए आए थे, इनका दोस्तों फेदर सैंपल कलेक्ट करेंगे डीएनए करवाने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये पिंजरा हमने बाहर रखा हुआ था क्योंकि आज जो है धूप काफी अच्छी थी, तो हमारे सन कन्यूर बर्ड धूप में रहे। और अब दोस्तों धूप खत्म हो चुकी है तो शाम का समय होने लगा है, अब सन कन्यूर बर्ड को लेकर चलते हैं सेटअप के अंदर। उससे पहले आप बर्ड सेटअप के अंदर देखें कि कांच के बल्ब जल रहे आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। ये आप देखें बजीज पैरेट की कॉलोनी में 200 वाट का बल्ब लगा रखा है, बाहर भी लगे हैं, पट्ठों के सेटअप में भी लगे हुए हैं। तो अब चलिए बर्ड सेटअप के अंदर चलते हैं। दोस्तों करवाने में मेरे बर्ड सेटअप पर आने के बाद भी मैं तुरंत जो है इनका फेदर सैंपल कलेक्ट करके और डीएनए करवा सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने थोड़ा सा वेट किया और अब लगभग ये हमारे बर्ड सेटअप पर बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब दोस्तों मैंने सोचा इनका डीएनए करवाया जाए। दोस्तों बर्ड के फेदर सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो चेस्ट के जो फेदर होते हैं वो दोस्तों आप कलेक्ट करें लगभग दोस्तों 7 से 8 पीस, और दोस्तों एक एक करके कलेक्ट करें, ऐसे ना हो कि आप एक साथ में चार पांच को पकड़ के खींचे। और दोस्तों फेदर सैंपल कलेक्ट करने के बाद से आज इनकी जगह भी चेंज हो जाती है। दोस्तों इनको यहाँ ये दो फीमेलें जो रखी हुई है सन कन्यूर बर्ड की, इसके ऊपर रखते हैं इन दो मेल को। तो अब से ये इनकी नई जगह है, नया पिंजरा है। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले एक महीने पहले हमने अपने कॉकटेल बर्ड्स को अलग किया था इन दोस्तों 12 पिंजरों में। सभी पिंजरों में दोस्तों एक एक जोड़ी है और लगभग 12 जोड़ी को हमने अलग किया था। और अलग करने से पहले हमने दोस्तों कॉकटेल बर्ड का कलेक्शन किया, काफी जगह से मैं कॉकटेल बर्ड लेकर आया जो कि दोस्तों मैं बच्चे लेकर आया था, और फिर जब तक वो बड़े नहीं हुए तब तक मैंने उन सभी की अच्छी केयर की, और जब वो बड़े हो गए ब्रीडिंग करने के लिए तैयार हो गए उसके बाद मैंने इन सभी को अलग किया, इनके जोड़े सेलेक्ट किए। जोड़े सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इनकी धीरे धीरे ब्रीडिंग शुरू भी हो चुकी है। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं कि बर्ड्स घर पे लाने के बाद से ब्रीडिंग होने तक क्या क्या समस्याएं हमारे साथ में आ सकती है, हमें फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों मेनली आज मैं कॉकटेल बर्ड्स की बात करूंगा कि कॉकटेल बर्ड का अगर आप बर्ड सेटअप लगाना चाहते हैं या इनसे ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों कॉकटेल बर्ड की लगभग जो ब्रीडिंग एज होती है वो लगभग दोस्तों 1 साल के लगभग होती है। वैसे दोस्तों ब्रीडिंग करने में 7-8 महीने से भी जो है
वो मेल विस्लिंग करने लग जाता है, ब्रीडिंग की एक्टिविटी करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर हम अपने बर्ड से लंबे टाइम तक अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, हमारे बर्ड्स को हेल्थी फिट रखना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों हमारे बर्ड को थोड़ा सा जो है और समय दें। अगर वो ब्रीडिंग की एक्टिविटी कर रहा है उसके बावजूद भी थोड़ा सा और समय उसको दें ताकि दोस्तों उसकी अच्छी हेल्थ बन सके, उसके बाद वो ब्रीडिंग करे। दोस्तों अगर आप बर्ड से अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं इसके लिए आपको धैर्य रखना काफी जरूरी है दोस्तों, समय देना काफी जरूरी है, आपको इंतजार करना काफी जरूरी है। दोस्तों अगर आप इंतजार करेंगे तो आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। जब आप बच्चे घर पे लेके आते हैं बर्ड्स के, उसके बाद से जब तक वो ब्रीडिंग के लिए मेच्योर होते हैं तब तक आपके सेटअप पर, आपके घर पे जो है वो बर्ड बिल्कुल सेट हो जाता है, आपके माहौल में एकदम बर्ड घुल मिल जाता है, ताकि फिर जब वो ब्रीडिंग करता है तो वो डरता नहीं है, अंडे नहीं फेंकता है, बच्चों को नहीं मारता है, इस तरीके की काफी जो समस्याएं हैं वो नहीं आती है। तो बच्चों से जब आप कॉकटेल बर्ड को तैयार करते हैं उस समय उनकी डाइट का आप प्रॉपर सही तरह से ख्याल रखें, क्योंकि कॉकटेल बर्ड में क्या दिक्कत आती है कि कॉकटेल बर्ड अपने बच्चों को सॉफ्ट फूड के बेस पे पालना पसंद करते हैं। तो भाई शुरुआत से अगर आप आदत डाल देंगे अपने बर्ड को सब कुछ चीजें खाने की, सब तरह के सॉफ्ट फूड खाने की, तो आगे जाके ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हमारे बर्ड ये चीज नहीं खा रहे हैं, वो चीज नहीं खा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। उसके बाद दोस्तों आप शुरू से ही अपने बर्ड को एक ऐसा माहौल दें कि आपके बर्ड आप सभी से डरे ना, ऐसे कोई भी लोग आपके बर्ड के पास ना आए कि आपके बर्ड उनसे डरे, कोई भी तरह के जानवर आपके बर्ड के पास में ना आए, ताकि आपके बर्ड का जो डर है वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये आप देखें, ये जो फीमेल है यहां पर बैठी हुई है, ये दोस्तों हमारी टेम्ड फीमेल है जिसने दोस्तों अंडे दे दिए, और अंडे देने के बाद से अब दोस्तों ये हमारे पास में आती तो है। अभी जो दोस्तों अंडों पर मेल बैठा है, यानी इसका मेल अंडों पर बैठा है, ये बाहर आ गई और हमारे पास आ रही है। अधिकतर ये देखा जाता है कि बर्ड्स ब्रीडिंग करने के बाद में उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजिंग आ जाती है, फिर वो हैंडटेम नहीं रहता, हमारे पास नहीं आता, लेकिन इस फीमेल में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस समय ये अंडे देने वाली थी, इसकी वेंट में अंडे थे, उस समय ये मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन अब आने लगी है। दोस्तों शुरू से ही मुझे कॉकटेल बर्ड काफी ज्यादा पसंद थे और मेरी इच्छा थी कि भाई कॉकटेल बर्ड से अच्छी ब्रीडिंग लेनी है। इस दौरान दोस्तों मैंने काफी ब्रीडिंग भी ली कॉकटेल बर्ड से। इस दौरान मैंने कॉकटेल बर्ड के बारीक से बारीक हर एक बिहेवियर को देखा कि भाई ये कैसे रहना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कैसे ब्रीडिंग करते हैं, क्या इनका नेचर होता है, सब कुछ चीजें दोस्तों मैंने इनकी नोट की, वही आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों जब आप कॉकटेल बर्ड्स घर पे लेके आए तो मेरा कहना है आप बच्चे लेकर आए, और दोस्तों बच्चे जब होते हैं तो उनमें मेल फीमेल का जो है वो आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई मेल कौन सा फीमेल कौन सा है, लेकिन 100% श्योर नहीं कह सकते कि ये मेल है ये फीमेल है। तो मेरा आप सभी को कहना है जब भी आप कॉकटेल बर्ड घर पे लेके आए तो लगभग 4-5-6 पीस लेकर आए, ताकि दोस्तों जब वो एडल्ट हो तब तक दोस्तों एक या दो जोड़ी तो कंफर्म तैयार हो जाए ब्रीडिंग करने के लिए। दोस्तों एज के साथ साथ में बर्ड की हेल्थ भी डिपेंड करती है कि भाई वो हेल्थ होनी चाहिए कि बर्ड्स ब्रीडिंग करें। तो दोस्तों उसके बाद से आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आप सभी को बताया कि जिस पिंजरे में आप सभी कॉकटेल बर्ड को साथ में रख रहे हैं वहां एक मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं, जो जोड़े लगे होंगे वो जो है एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, मेल बॉक्स में जाएंगे। दोस्तों कॉकटेल बर्ड में क्या होता है मजे की बात कि भाई मेल जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स को, नेस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता है, उसके बाद फीमेल उसके अंदर जाती है। मेल जो है वो फीमेल को सिग्नल दे देता है कि भाई यहाँ पर खतरा नहीं है, उसके बाद फीमेल जो है वो आगे अपनी जो है वो कार्रवाई शुरू करती है अंडे देने की। तो इस तरीके से होता है, तो आप लगभग जो है थोड़ा सा इंतजार करें। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, जैसे जैसे जोड़ों को अलग किया, मैंने अपने हिसाब से जोड़ों की हेल्थ, उनके कलर क्वालिटी, जो जोड़े मुझे लगाने थे उन्हें मैंने अलग किया। दोस्तों सबसे पहले मैंने 12 जोड़ों को अलग किया, फिर जो समस्या आई वो ये थी कि कुछ जोड़ों ने अपनी बॉन्डिंग बना ली, कुछ जोड़ों ने अपनी बॉन्डिंग नहीं बनाई, यानी फीमेल से दूर बैठते थे। दोस्तों ये एक्टिविटी नोट करना, मैंने दूसरे दिन शुरू नहीं किया, लगभग 15 दिन का समय दिया अपने बर्ड को, उसके बाद भी मैंने देखा कि कुछ जोड़े बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, जो ब्रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उन बर्ड को अलग किया, उसकी जगह दूसरे बर्ड छोड़े। उस दौरान कुछ जोड़ों ने तो बॉन्डिंग बनाई, उसके बावजूद भी फिर भी कुछ जोड़ों ने बॉन्डिंग नहीं की, तो उन बर्ड को फिर से सभी बर्ड के साथ में रखा, तो उनकी भी फिर धीरे धीरे पेयरिंग हुई। तो इस तरीके से करते करते दोस्तों मैंने इन जोड़ों को अलग किया है, मैंने काफी चीजें देखी इनमें, इनकी एज देखी, इनकी कलर क्वालिटी देखी, मैंने ये भी देखा कि आगे कौन सा रिजल्ट आएगा इस जोड़े को लगाने से। इस दौरान एक समस्या और आई दोस्तों मेरे साथ में, वो मैं आप सभी को बताता हूँ। ऊपर के जो पिंजरे हैं इनमें अच्छी रोशनी रहती है,
बीच के जो पिंजरे हैं इनमें अच्छी रोशनी रहती है, लेकिन नीचे के ये जो दो पिंजरे हैं इनमें अंधेरा रहता है। तो मैंने ये नोट किया कि जिन पिंजरों में रोशनी रहती है उन पिंजरों में बर्ड्स ने जल्दी ब्रीडिंग की, जहां अंधेरा रहता है वहां बर्ड्स जो है वो थोड़े सुस्त बैठते थे, थोड़े अनएक्टिव जो है वो लगते थे मुझे। तो ऐसे में मैंने नोट किया कि बर्ड को ब्रीडिंग के लिए या बर्ड के सेटअप पे अच्छी रोशनी का होना काफी जरूरी है। और दोस्तों अच्छी रोशनी का मतलब ये नहीं है कि आप बल्ब जला के पूरे दिन रोशनी कर रहे हैं, एक नेचुरल रोशनी भी बर्ड को मिलनी चाहिए। दोस्तों ये जो है ये नेचुरल रोशनी है, अगर दिन के समय बल्ब ऑफ रहेंगे तो भी बाहर से रोशनी आएगी, बर्ड्स पेड़ पौधों को देखते रहेंगे, बाहर के माहौल को देखते रहेंगे। तो दोस्तों नेचुरल रोशनी का होना की भी काफी जरूरी है बर्ड सेटअप पर। और मेरा मानना है थोड़ी सी सुबह की धूप का आना भी काफी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, काफी बर्ड्स यहाँ पर सेट नहीं हुए तो सुस्त होने लगे, कुछ बर्ड को लूज मोशन भी हुए अचानक से बड़े सेटअप से छोटे सेटअप में डालते समय, तो उनका भी हमने इलाज किया। जो बर्ड्स बीमार हुए उन्हें हमने अलग किया। आज जो है वो ऐसा है कि सभी बर्ड्स लगभग सेट है, कुछ जोड़ों ने दोस्तों अंडे भी दे दिए हैं, कुछ ब्रीडिंग बॉक्स में अंडे आ चुके हैं और शायद हमारे एल्बिनो कॉकटेल बर्ड के जोड़े ने भी अंडे दे दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे करके अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे जोड़े जो है अंडे देना शुरू कर रहे हैं। यानी कि एक बार अगर कॉकटेल बर्ड आपके बर्ड सेटअप पर सेट हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों वो काफी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, उनका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। दोस्तों कॉकटेल बर्ड रेगुलर ब्रीडिंग करने वाला बर्ड है और कॉकटेल बर्ड में हम ये नहीं कह सकते कि ये जोड़ा सबसे अच्छा है और ये जोड़ा सबसे जो है वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जैसे एक क्लच जोड़े ने निकाला उसके बाद कई बार कॉकटेल बर्ड अगला क्लच खराब भी कर सकते हैं, और काफी बार फर्स्ट क्लच में भी कॉकटेल बर्ड काफी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, काफी बार चौथे पांचवें क्लच में भी कॉकटेल बर्ड रिजल्ट अच्छा नहीं देते। तो इस तरीके से होता है सब कुछ दोस्तों, डाइट पे डिपेंड करता है, बर्ड के रखने के तरीके पे डिपेंड करता है, बर्ड को आप कौन सी जगह पे रखते हैं, क्या माहौल दे रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस बार जो हमने कॉकटेल बर्ड को माहौल दिया है वो दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छा माहौल है, यहाँ पर काफी अच्छी ब्रीडिंग होगी। दोस्तों यहाँ आप देखें मेल कॉकटेल बर्ड बैठा हुआ है और एक बच्चा जो है इसके नीचे है, और दोस्तों फर्स्ट ब्रीडिंग होने के कारण एक बच्चा, आप देखिए एक बच्चे की डेथ भी हो गई, तो ऐसा भी होता रहता है। और एक अंडा अभी भी है, तो दोस्तों हमने इस फीमेल को गलत बाहर निकाल दिया, तो वापस जो है इसे अंदर डालते हैं। दोस्तों बच्चे निकलने के बाद दिन में 2 से 3 बार बर्ड को सॉफ्ट फूड देना शुरू कर देते हैं, आप देखिए फीड भी करवा रखी है बच्चे को। और रेड आइज का ही बच्चा है दोस्तों, लोटिनो है, और मरे हुए बच्चे को हम अलग कर देंगे। दोस्तों आप देखिए ये फीमेल अपने बच्चे को देख रही है, हाँ जाओ जाओ। दोस्तों ये आप देखिए फीमेल चली गई अपने बच्चे के पास में। दोस्तों अभी जो है वो अंडों पर मेल बैठा हुआ है और मेल काफी ज्यादा एग्रेसिव है, 4 अंडे जो है वो फीमेल ने दिए हुए हैं और मेल अंडों की रखवाली कर रहा है। तो यहाँ भी दोस्तों ब्रीडिंग बॉक्स में शायद फीमेल और मेल बैठते हैं, तो यहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ ही देख रहा हूँ कि क्या है। दोस्तों ये आप देखें ये शायद मेल या फीमेल बैठे हैं, बहुत खूब। दोस्तों 3 अंडे आ चुके हैं एल्बिनो कॉकटेल बर्ड के भी, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन बर्ड को। आपने आज के इस वीडियो से शायद काफ़ी सारी बातें जानी होगी, सीखी होगी। तो अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही हमारे साथ में जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय फ्रेंड्स।